है बताओ। सर बोलो, हेलो हेलो, सुन रहे हैं? हेलो, हेलो बोलो ना। सर, हम लोग जब प्रोसेसिंग करते हैं तो आगे बोलो। सर, हम लोग जब प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोटीन तो मतलब डिनेचर हो जाता है ना सर? नहीं, इट डिपेंड करता है हम कौन सा प्रोसेसिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं। इट डिपेंड्स करता है हम कौन सा डिनेचरिंग एजेंट डाल रहे हैं। यस डिनेचर प्रोटीन कब होगा? जब उसको डिनेचरिंग एजेंट के संपर्क में लाया जाएगा तभी वो डिनेचर होगा, नहीं तो वो क्यों डिनेचर होगा भाई? नेटिव स्टेट में प्रोटीन क्यों डिनेचर होगा? नहीं नहीं सर, होगा। वो कैनेडियन जो प्रोसेस है उसमें 70 से 80 डिग्री हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सर। हाँ, तो वो जो प्रोसेसिंग मेथड है उसमें हमारा प्रोटीन डिनेचर होता है। दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस डिनेचुरेशन फंक्शनल प्रॉपर्टी जो है उसका लॉस हो जाता है। सो टू मेंटेन द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटीन, व्हाट वी विल डू, वी आर नॉट एक्सपोजिंग आवर प्रोटीन टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। वी आर नॉट एक्सपोजिंग द आवर प्रोटीन टू द, मतलब जो डिनेचरिंग एजेंट, जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, तो हार्स केमिकल हमको यूज नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई इन टेक्सचर्ड फिश प्रोटीन कंसेंट्रेट जो है हम फिश का जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हम उसको एक्सट्रीम डिनेचरिंग एजेंट के कांटेक्ट में नहीं देते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर से फॉर एग्जांपल, या हार्श केमिकल्स, नहीं तो प्रोटीन क्या होगा, कंप्लीट डिनेचर हो जाएगा। बट वी आर डूइंग पार्शियल डिनेचुरेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट डिनेचुरेशन, एंड इफ वी आर डूइंग पार्शियल डिनेचुरेशन सो फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटीन वी कैन मेंटेन। ठीक है, यस सर, और कोई पूछना है कुछ तो पूछो। सर जो आप ये एजियोट्रॉपिक एक्सट्रैक्शन मेथड में बतलाए थे सर, हाँ, बोलो ना प्रेमचंद, हम लोग तुम्हारा आवाज नहीं सुन रहे हैं। प्रेमचंद यस सर। बोलो ना। सर बोले सर जो एजियोट्रॉपिक एक्सट्रैक्शन मेथड में वो नहीं समझे सर, सेकेंड स्टेप जो रिफ्लेक्ट एजियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है एक्सट्रैक्शन, सर, सॉलिड मास जो रहता है। हाँ यस एजियोट्रॉपिक, सर बता रहा हूँ, सी दिस, एजियोट्रॉपिक में क्या है, ये बेसिकली हमारा इंडिया का एक्सट्रैक्शन मेथड है। इसमें क्या है, हम फैट को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी आर यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट, वन इज द हेक्सेन एंड अनदर वन इज द इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फिश आई को गेस हम मिंस कर देते हैं, मिंस यस सर, करके, हेलो यस हेलो, सर, सुन रहे हो ना? यस सर, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, फिश को हम मिंस करते हैं और उसको हम मिंस मीट को वाटर के साथ और एसिटिक एसिड के साथ में हम मिंस कर, मतलब मिक्स कर देते हैं, और एसिटिक एसिड का जो कंसेंट्रेशन है 0.5% हम लोग रखते हैं, और मिंस्ड मीट और कुक एसिटिक एसिड का जो रेशियो है 1:1 है। फिर उसको मेंस्टिंग के साथ में जो स्लोरी फॉर्म होगा उसको हम 30 मिनट्स तक के लिए 80 डिग्री सी पे गरम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, गरम करने के बाद में यस सर, हम उसको जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ में हम उसको मतलब रिफ्लक्स करते हैं,
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्पेशली हेक्सेन और इथाइल अल्कोहल इंड्यूस करते हैं, ठीक है। इस दोनों को जो हम बॉइल कर, यहाँ पे भी हम बॉइलिंग करते हैं, 58.68 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। ये हम यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ में हम बॉइल करेंगे। बॉइल करने के बाद में सॉल्वेंट को ड्रेन करेंगे, और अगर फैट ठीक से डिसॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्युबलाइज नहीं हुआ है, तो फ्रेश सॉल्वेंट हम फिर से ऐड करेंगे, और जो रेसिडुअल फैट होगा उसको फिर से डिसॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्ट्रिप करेंगे, मतलब स्टीम स्ट्रिप करते हैं। अगर फिर भी अगर कुछ फैट होगा तो उसको हटाने के लिए थोड़ा सा प्रेस करेंगे, देन ड्राई करेंगे, और देन पल्वराइज करेंगे। तो इसमें क्या समझ में आया सर? जो रिफ्लेक्स्ड हुआ वो एक वॉशिंग प्रोसेस हुआ सर? नहीं, रिफ्लक्सिंग में क्या होता है, जो भी हमारा मीट है, मिंस्ड मीट है, उसमें हमारा सॉल्वेंट है, मिंस्ड मीट और सॉल्वेंट को फिर से हम फैट एक्सट्रैक्शन लगाते हैं, मतलब अल्टीमेटली हमारा टारगेट रहता है फैट को हटाने का। यस सर। तो फ्रेश सॉल्वेंट से हम सेम प्रोसेस जो हम सेकंड स्टेज में किए थे, वो नया सॉल्वेंट के साथ में हम फैट को रिमूव करेंगे। तो दैट इज द रिफ्लक्सिंग, सेम सॉल्वेंट वी आर यूजिंग, बट हियर वी विल यूज द फ्रेश सॉल्वेंट। यस सर। ये हमारा इंडियन मेथड है। थैंक यू सर। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। तो कट किया जाए? यस सर। चलो ठीक है, फिर पढ़ो अच्छे से। थैंक यू सर।